हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सुंदरवन जो है हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर मैनग्रोव्स, वो क्यों ख़त्म हो रहे हैं, उनका जो परसेंटेज है, उनकी जो डेंसिटी है, ये कंटिन्यूसली साल दर साल कम होती जा रही है और इसकी वजह से इंडिया में डेवेस्टेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो सुंदरवन एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड हमारे लिए काम करते हैं। क्या है सुंदरवन, क्यों हमारे लिए एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड काम करते हैं और क्यों ये खत्म हो रहे हैं, व्हाई दे आर डाइंग। तो इसमें क्या डिफॉरेस्ट्रेशन का और क्लाइमेट चेंज का रोल है, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे little_simple_buddha पे इंस्टाग्राम पे और सेम नाम से टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो सुंदरवन में देखो है क्या सुंदरवन। सबसे पहले सुंदरवन एक फॉरेस्ट का नाम है। ये लो लाइंग मतलब कि जो जमीन का स्तर है उससे नीचे ये एक आइलैंड टाइप बने हुए हैं। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल पे, बंगाल की खाड़ी में। और ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों का बॉर्डर जहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिलता है वहाँ पे है। सुंदरवन एक मैनग्रोव का एरिया है। मैनग्रोव का एरिया आपने फॉरेस्ट टाइप में पढ़ा होगा। मैनग्रोव एक डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप में होता है जो मीडियम सॉल्टी, जिसे हम ब्रेकिश वाटर बोलते हैं, वहाँ पे ये होता है। सो ये मैनग्रोव का जो एरिया है ये गंगेज, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर जो बांग्लादेश से आती है, इन तीनों के कॉन्फ्लुएंस पे, जहाँ पे ये तीनों नदियाँ आके मिलती है और बे ऑफ बंगाल से जाके मिलती है, वहीं पे उस एरिया पे उस रिवर और ओशियन सी के जो जो मीटिंग स्पेस है वहाँ पे ये मैनग्रोव बने हुए हैं, इनको बोलते हैं सुंदरवन। सुंदरवन नाम आता है, यहाँ पे एक बहुत ही प्राइम ट्री है जिसका नाम है सुंदरी, उस सुंदरी ट्री से नाम आता है सुंदरवन। ये जो सुंदरवन है ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं, जो लगभग 60% तक का एरिया इनका बांग्लादेश में है और रेस्ट 40% तक का जो एरिया है वो इंडिया के वेस्ट बंगाल वाले एरिया में फॉल होता है। तो इंडिया में मतलब इसका जो स्पेन है वो आप ऐसे मान लो कि इंडिया में जहाँ पे हुगली रिवर निकलती है वहाँ से लेके बालेश्वर, ये बांग्लादेश की जगह है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो गंगेज, मेघना और यहाँ से ब्रह्मपुत्र और ये दोनों गंगा मिल जाती है। तो इनका जो ये डेल्टा वाला एरिया है पूरा, दिस कंप्लीट डेल्टा एरिया, दिस एरिया इट कम्स अंडर दी सुंदरवन। नाउ सुंदरवन का एरिया आप ध्यान रखो, इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के अंदर सुंदरवन का मेजर पोर्शन आता है, इंडिया में कंपैरेटिवली कम आता है। तो अगर आप बर्ड्स आई व्यू में देखो तो ये पूरा एरिया है, ये रेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि इस पूरे एरिया तक फैला हुआ है। इसके साथ ही आपको ये रेड लाइन है, इसको हम बोलते हैं डैम्पियर हॉज लाइन। क्या बोलते हैं? डैम्पियर हॉज लाइन। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसका मतलब है कि इस सुंदरवन मैनग्रोव्स का ये नदन मोस्ट एक्सटेंट है, यहाँ तक सुंदरवन के आपको ट्रीज, सुंदरी ट्रीज आपको मिल जाएंगे। तो ये किसने दिया था? 1830 के अंदर विलियम डैम्पर और अलेक्जेंडर हॉक्स नाम के दो सर्वे करने वाले लोग थे, इन्होंने इस पूरे सुंदरवन का सर्वे करा था और इन्होंने बताया था कि सुंदरवन इस लिमिट तक एक्सटेंडेड है। नाउ ये जो ग्रीन एरिया है ये बताता है कि सुंदरवन एट प्रेजेंट, मतलब जो सबसे ज़्यादा डेंस एरिया इनका है वो है, और जो रेड एरिया आपको दिख रहा है जो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, साल दर साल यहाँ से सुंदरवन ख़त्म होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सुंदरवन का एक बर्ड्स आई व्यू। सुंदरवन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये रामसर साइट भी है, दिस इज नाउ अ रामसर साइट। और ये जो रॉयल बंगाल टाइगर्स है उनका घर है। आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स की ओनली पॉपुलेशन एंड मैक्सिमम पॉपुलेशन मिलेगी यहाँ पे, 26, ये इंक्लूड हो चुका है। ये कोलकाता के अंदर आता है सुंदरवन रामसर, और उसके साथ ही कोलकाता में एक और है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड नाम का। 43% तक का मैनग्रोव कवर, 40 से 43% तक का मानते हैं वो इंडिया के अंदर आता है। तो इस तरीके से दिखते हैं, ये है सुंदरी ट्री का डायग्राम है, ये दिस इज सुंदरी ट्री। इसमें देख सकते हो सुंदरी ट्री की जो आधी जड़ें हैं वो पानी में रहती हैं, और ये इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा मान लीजिए इस तरह का सर्वाइवल कैरेक्टरिस्टिक ये इवॉल्व कर लेती है कि ये सॉल्टी वाटर में सर्वाइव हो जाती है। और इनके जो बीज होते हैं, जो
सीड्स या फिर आप ऐसे मान लीजिए फ्लावर्स होते हैं, वो भी इसी तरीके से होते हैं कि वो पहले जो फ्लावर लगा हुआ है इसमें सुंदरी ट्री के अंदर, यहीं पे डेवलप होगा, उसके बाद वो नीचे गिर के ट्री में डेवलप होता है। तो ये सुंदरी ट्री है। ये सुंदरी ट्री जो है या मैंग्रोव एरिया जो है, ये क्लोज्ड एंड ओपन मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मतलब कुछ जो ऐसा समुद्र के एरिया के साथ ओपन है और कुछ लैंड के साथ इनक्लोज्ड है। यहाँ पे खेती भी होती है एग्रीकल्चर पर्पज से, लेकिन खेती का जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। रीज़न है कि यहाँ पे एक तो ब्रैकिश वाटर एंटर कर जाता है, सॉल्ट वाटर समुद्र का, और दूसरा यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली साइक्लोन्स भी आते हैं, तो उन साइक्लोन की वजह से खेती में काफ़ी नुकसान पहुँचता है। यहाँ पे मड फ्लेट्स हैं, आपको बिल्कुल दलदली जमीन भी मिलेगी और आपको बैरन लैंड भी मिलेगा जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। मल्टीपल टाइड एंड चैनल है यहाँ पे, और टाइड और चैनल होने का जाहिर सी बात है कि चैनल्स कहाँ से होंगे, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र और मेघना की काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये चैनल्स बना देती हैं। और क्योंकि ये एरिया समुद्र के बिल्कुल पास में है, तो टाइड्स यहाँ से आके सीधा यहाँ पे मिलती रहती हैं। नाउ इसके साथ ही यहाँ पे सुंदरवन में इसको प्रोटेक्टेड एरिया बनाया बना दिया गया है। प्रोटेक्टेड एरिया में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसके अंदर सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन वेस्ट, सुंदरवन साउथ और सुंदरवन ईस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चार पोर्शंस इसके अंदर आते हैं। हालांकि बहुत प्रोटेक्शन करा जा रहा है, दी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर डूइंग सो मच टू कंजर्व एंड प्रिजर्व दी सुंदरवन एरियाज, लेकिन फिर भी जो सुंदरी ट्री है इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है 2020 में, IUCN की जो रेड लिस्ट आई है अपडेटेड। मतलब आप ये समझो कि इट इज ह्यूज, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको यहीं पे मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसका मतलब है कि कितना इन पे खतरा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बात बताई है कि बाई 2050 तक लगभग 13 मिलियन बांग्लादेशी, इंक्लूडिंग मोस्ट जो सुंदरवन के मार्जिन्स पे रहते हैं, उनको माइग्रेट करना पड़ेगा, और वो भी क्लाइमेट रिलेटेड क्राइसिस की वजह से, जिसे हम क्लाइमेट माइग्रेशन भी बोलते हैं। इसकी वजह से 13 मिलियन लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा अपलैंड की तरफ, क्योंकि ये पूरा एरिया खराब हो जाएगा, यहाँ पे लाइवलीहुड के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये जो सुंदरवन का एरिया है, इसमें आपको थ्रेट मिलेगी क्या, किस चीज से वल्नरेबल है? एक तो टिम्बर स्मगलिंग से, लकड़ी जो होती है सुंदरी ट्री की जो लकड़ी है उसकी सीधी की सीधी चोरी हो रही है, उसको इलीगल तरीके से काट के उसे ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। फ्लड्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, साइक्लोन्स, अगर क्लाइमेट चेंज और साइक्लोन का रिलेशन इफ यू नो इट, और या फिर हम आने वाले कभी किसी वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन से ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही सी लेवल राइज एंड कोस्ट लाइन इरोजन, इन सब की वजह से सुंदरवन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और सुंदरवन हमारे लिए एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं मैं बताती हूँ आपको। पिछले लास्ट 23 सालों में 13 सुपर साइक्लोन्स आए। सुपर साइक्लोन्स का मतलब है कि हरिकेन लेवल के ऊपर के, जिनकी स्पीड 200 से 300 किलोमीटर पर आवर के साथ है। तो इसमें पिछले 12 महीने में 3 बड़े साइक्लोन आए हैं, फेनी, बुलबुल, अम्फन। ठीक है, अम्फन जो आया है, अम्फन ने बहुत तबाही मचाई है यहाँ पे। अम्फन का अगर आप देखोगे, देखो ये अम्फन का पाथ है, यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था और सीधा बांग्लादेश के पास गया था, और ये एरिया जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा सुंदरवन का एरिया है। तो यहाँ पे इसने सुंदरवन के एरिया में इतनी तबाही मचाई है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों ने अभी तक, मतलब इट हैपेंड इन May 2020, और अभी तक दे आर स्टिल इन द रिकवरी फेज। अभी भी उनको, अभी तो वो जो बचे कचे पीसेस है उनको उठा के अपना रिकवरी कर रहे हैं। और सबसे, और भी देखो सैड बात क्या है कि सुंदरवन में जो 70% लोग रहते हैं वो BPL हैं, दे लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। उनकी इनकम 13,300 रुपये पर मंथ के पास आती है, और वही वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा डेविस्टेशन को फेस कर रहे हैं। और अगर सुंदरी ट्री और या सुंदरवन अगर ख़त्म होना स्टार्ट हो गए, तो उनको ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। मैनग्रूव्स क्या होते हैं कि आप इसे ऐसे समझो, हम इसे वाइट बोर्ड में समझाते हैं। ये मान लो मैनग्रूव का एरिया है, ठीक है? तो ये मैनग्रोव का एरिया में, ये हमारा वो एरिया है जहाँ पे लैंड सी से
मिलता है ओके। और यहाँ पे पूरा लैंड का एरिया है ना। जब भी साइक्लोन्स आते हैं तो साइक्लोन्स बहुत ही इंटेंसिटी से आते हैं, इसके साथ ही अगर तेज हवाएं भी चलती है, तो जैसे ही ये साइक्लोन सुंदरवन के आसपास पहुंचता है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि ये साइक्लोन को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। साइक्लोन को या किसी भी तरह की तेज हवा या फिर बहुत ज्यादा फ्लडिंग आ रही है तो उसको ये ब्रेक डाउन कर देता है। इट वर्क्स एज ए शील्ड। सुनामी भी, अगर बहुत तेजी से पानी आ रहा है, देखो एक बहुत तेजी से आपने नाले में पानी डाला, ठीक है, या फिर एक बहुत खुला एरिया है, खुला खेत है, जहाँ पे तेजी से हवा चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है, तो उस हवा में कोई रोक टोक नहीं है, वो हवा दूर तक पहुंचेगी और नुकसान करेगी। लेकिन उस खेत में अगर आपने पेड़ पौधे लगा दिए या वो जो खुला बहता पानी है उसमें आपने बीच में बैरिकेड्स लगा दी, तो उसका फ्लो टूट जाएगा, ठीक है, उसका फ्लो टूट गया मतलब उसका पावर कम हो गया। तो सेम थिंग हैपेंस हियर ऑल्सो। बहुत तेज बहता पानी, चाहे वो सुनामी का हो या फिर साइक्लोन हो, उसकी इंटेंसिटी को ये कम कर देते हैं, जिससे ये लेस डेंजरस हो जाते हैं। तो ये एक इनका मेन काम है। तो इसी वजह से इनको मैनग्रोव रिडक्शन इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रोम को कम कर देते हैं। लेकिन हालांकि 250 सालों में पिछले 250 सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं और उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बहुत बढ़ गए हैं। इसकी वजह से ये जो सुंदरवन की मैनग्रोव शील्ड है हमारी, ये जो मैनग्रोव रिडक्शन इफेक्ट है, ये कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, ये टूटता जा रहा है। 2012 में बंगाल स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जैसे कि नेशनल एक्शन NAPCC होता है हमारा, उसी तरीके से इनका हर स्टेट का भी होता है, तो उन्होंने ये बताया कि 1989 से, बहुत ज्यादा साल नहीं हुए अभी, तो 21 साल नहीं हुए हैं, 31 साल, इन 31 सालों में 5% तक का फॉरेस्ट कवर एरिया लॉस हो गया है। और इवन दो ये प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व में डेजिग्नेटेड है, अगर ये डेजिग्नेटेड नहीं होता तो और भी ज्यादा परसेंटेज एरिया लॉस हो जाता। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे ये साइक्लोन की वजह से खत्म होते जा रहे हैं। ना आप पूछोगे कि ये साइक्लोन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खत्म कैसे हो रहा है? अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूसली इस शील्ड को बार बार इतने ही फोर्स से मारोगे, मारते जाओगे, यहाँ पे आप अटैक करते जाओगे, तो इवेंचुअली वो शील्ड ब्रेक होगा ना, इवेंचुअली वो शील्ड खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतनी ज्यादा ये साइक्लोन्स की इंटेंसिटी की वजह से, फ्रीक्वेंसी की वजह से, ये जो मैनग्रोव की शील्ड है ये खत्म होती जा रही है। और साइक्लोन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उनको अभी हम देखते हैं। जैसे कि एक तो सी वाटर इंट्रूजन है, ठीक है, और उसके साथ ही ये सेडिमेंट्स को लेके आ जाता है अंदर, राइट। तो ये कुछ ऐसे, और सी लेवल राइज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज का और साइक्लोन का जो साइड इम्पैक्ट है वो आपको मैनग्रोव के डेंजरस में दिखेगा। जैसे एक पहला हमने पॉइंट बढ़ा था टिम्बर स्मगलिंग का। नाउ क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की लैंड है वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ पे या तो साइक्लोन की वजह से वो डिस्ट्रॉय होते जा रही है हर साल, और जो होता भी है वो इतना कम होता है कि गुजारा चलाने के काम नहीं होता। तो सुंदरी ट्री इज दी ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, इसी को काट के ब्लैक मार्केट में 1750 पर क्यूबिक फीट से बचती है। तो ये लोग सोचते हैं कि चलो आज थोड़ा काट लेते हैं, इतने ट्री काट लेते हैं, तो इस लाइक की इन द फोर्स टू लिव इन दी एम्बिशन, नॉट इवन एम्बिशन, जस्ट टू हैव द रोजी रोटी, जस्ट टू हैव द लाइवलीहुड, ये सुंदरी ट्री को काट रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड अवेलेबल नहीं है। तो टिम्बर स्मगलिंग हो रही है जो सीधे बांग्लादेश तक जाती है। दूसरा है राइजिंग टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। नाउ ये एक मेजर रीजन है फॉर द प्रोलिफिकेशन ऑफ द साइक्लोन इन सुंदरवन। जनरली जो साइक्लोन्स हैं वो सुंदरवन तक जाते नहीं थे और बहुत पहले ही वो खत्म हो जाते थे, वीक हो जाते थे, लेकिन इसका जो प्रोटेक्टिव कवर है इसका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गया है। और इसका एक मेजर रीजन है क्लाइमेट चेंज, इनकी जो डेंसिटी है वो कम होती जा रही है। मैनग्रोव्स का प्रॉपर्टी होता है कि वो 10 से 19 डिग्री सेल्सियस के पानी के तापमान के अंदर आराम से अच्छे से होते हैं। अगर ये 10 से 19 डिग्री का टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है, तो पेड़ जो है उसमें सुंदरी ट्री वो डाई होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी लीव्स येलो होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो ग्रो नहीं करेगा। तो 2012 का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान का रिपोर्ट आया था उसमें ये बताया गया था कि सुंदरवन के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड है, हर 10 साल के अंदर 0.5 डिग्री बढ़ रहा है, एंड विच इज ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हायर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 0.06। ग्लोबली जो सी लेवल सरफेस है, जो सी लेवल टेम्परेचर है वो 0.06 डिग्री बढ़ रहा है, लेकिन
सुंदरवन में कितना बढ़ रहा है, 0.5 डिग्री सेल्सियस, आधा डिग्री बढ़ रहा है हर्डिकेड के अंदर, विच इज 8 टाइम्स। तो मतलब कुछ रीजन की वजह से और भी ज्यादा वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो कंटिन्यूस टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से सुंदरी ट्री जो है वो डाई हो रहे हैं, वो ग्रो नहीं हो रहे हैं। और दूसरा सी लेवल का इम्पैक्ट है कि देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पता है कि ये हमारी जो आइस कैप्स है उनकी मेल्टिंग की वजह से और पानी के थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है। तो ग्लोबल रेट है 0.14 इंच पर ईयर की, लेकिन सुंदरवन में कितना है, 1.2। इसके बहुत सारे रीजन है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हो गई या गंगा हो गई, ये आती है आपकी हिमालयन आइस कैप से। तो ये हिमालयन आइस कैप क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं, इसके वजह से पानी का फ्लो ज्यादा होता जा रहा है। तो ये 1.2 इंचेस तक सी लेवल राइज हो रहा है। इसका मतलब है कि सुंदरी ट्री के जो इसकी इसकी वजह से जो इनको सही सस्टेनेबल कंडीशंस चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। सो दिस रैपिड राइज इन टेम्परेचर इसकी वजह से और राइज इन सी लेवल दोनों की वजह से साइक्लोन्स बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। तो हमने ये भी देखा है कि हायर टेम्परेचर अगर हो और अगर प्रॉक्सिमिटी टू द सी हो तो इसकी वजह से सुंदरबन में सैलिनिटी भी इंक्रीज होने लग जाती है ना। सैलिनिटी क्या होता है, पानी के अंदर सॉल्ट का कंटेंट परसेंटेज कितना है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। सैलिनिटी जब इंक्रीज होती है कैसे होती है, देखो जनरली जब कोई भी रिवर किसी सी से आके मिलती है तो ये जो एरिया जहाँ पे वो मिलती है यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रैकिश वाटर मिलेगा। सी वाटर का जो सैलिनिटी है वो बहुत हाई होता है, 32%, 30%, 35%। जो रिवर में से पानी आता है वो फ्रेश होता है, मीठा पानी होता है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे दोनों का कन्फ्लुएंस होता है यहाँ पे आपको 28 to 30% का सैलिनिटी मिलता है। लेकिन इन केसेस जब यहाँ पे साइक्लोन के साथ पानी का इंट्रूजन हो रहा है या फिर अगर इस रिवर का फ्लो कम हो रहा है, यहाँ से कम पानी फ्रेश वाटर मिल रहा है, तो जहाँ पे सुंदर वन के सुंदरी ट्रीज लगे हुए हैं वहाँ पे सैलिनिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो सलाइन कंटेंट इन सॉइल है वो इंक्रीज होता है, इसकी वजह से मैनग्रोव की ग्रोथ नहीं होती है, उनकी रूट्स वीक होती हैं। सैलिनिटी ज़्यादा होने की वजह से, न्यूट्रिशन लिमिटेशन की वजह से मैनग्रोव फॉरेस्ट नेगेटिवली ग्रो होते हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है उनका। और जो सैलिनिटी सेंसिटिव स्पीशीज होते हैं यहाँ पे पूरा एक इकोसिस्टम जनरेटेड है, उसकी वजह से उस इकोसिस्टम में भी इम्पैक्ट होता है। फिर एक रीजन है इसका कोस्ट लाइन इरोजन का। इस तरीके से एम्बैकमेंट बनाए गए थे, सबसे पहले अंग्रेजों ने बनाए थे 100 साल पहले, ब्रिटिश ने इस एरिया की फ्लडिंग की वनरेबिलिटी को देखते हुए यहाँ पे इस मिट्टी से इस तरीके से एम्बैकमेंट्स मतलब किस तरीके से बड़े बड़े चैनल्स बना दिए थे। नाउ ये 3,122 किलोमीटर का है जहाँ से स्टेट इरिगेशन और वाटर डिपार्टमेंट इसे मेंटेन करता है, लेकिन कंटिन्यूसली साइक्लोन्स की हिट से या फिर जो सी वेव्स आती हैं इनकी वजह से ये एम्बैकमेंट्स टूटने लग गए हैं। तो इनको वापस रीबिल्ड करने का काम दिया गया डिपार्टमेंट को, लेकिन अभी भी ये सिर्फ 20% ही फंड यूटिलाइज कराया और सिर्फ 100 किलोमीटर प्रपोज जो था और 1,000 किलोमीटर इसमें से अभी बनना है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो एम्बैकमेंट्स नहीं है या फिर जो एम्बैकमेंट नए बनने वाले हैं इनमें जो नए सीमेंट के से ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, तो ये ऐसा समझो कि इस तरीके से सीमेंट के जो ब्लॉक्स हैं ये हर साल जो साइक्लोन्स आते हैं उसमें ये इतने सॉलिडिफाई हो नहीं पाते, और ये जो ब्लॉक्स हैं ये साइक्लोन या तो अपने साथ लेके चला जाता है या फिर इस एम्बैकमेंट को तोड़ देता है। तो एक कोस्टल इरोजन का कंटिन्यूसली प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये है कि क्यों सुंदरवन खत्म होता जा रहा है, वाई इट इज डिस्ट्रॉइंग, और क्यों इसका बचना जरूरी है, क्योंकि अगर सुंदरवन नहीं रहेंगे तो साइक्लोन का सीधा इम्पैक्ट आएगा। कोलकाता की लोकेशन आप अपना मैप खोल के एक बार देखो, आप देखोगे कि सुंदरवन के जस्ट पीछे है। तो ये अब जब साइक्लोन्स आते थे आपने पढ़ा होगा कि उड़ीसा पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कोलकाता बच जाता है, वेस्ट बंगाल पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एंड द रीजन इज मैनग्रोव फॉरेस्ट, ओनली मैनग्रोव फॉरेस्ट इसे प्रोटेक्ट कर लेता है। नाउ आई हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू, एज यूजुअली यू हैव टू गिव मी द आंसर। सुंदर वन और दी मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, कोंकण कोस्ट पे, कच्छ पेनिनसुला पे, डेल्टिक वेस्ट बंगाल पे या वेस्टर्न घाट्स पे। इनमें से कौन से एरिया में सुंदर वन वाले मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सो दिस इज वन क्वेश्चन। ऑल्सो इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आपको मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे जो कि सेम नेम से है वहां से आपको मिल जाएगा। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।